दोस्तों सुपर फोर का दूसरा मुकाबला जो कि बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, कहां? कोलंबो के स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्या है दोस्तों? आर प्री मराशा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में यह मुकाबला खेला जाएगा। यह सुपर फोर का दूसरा मुकाबला होगा। जहां तक बात की है दोस्तों बांग्लादेश जो कि अपना लास्ट मुकाबला हार के आ रखे थे खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी बुरी तरीके से जो है पाकिस्तान ने इनको हराया था। लगभग दोस्तों 200 के अंदर ऑल आउट कर दिया था और बहुत जल्दी पाकिस्तान जीत भी गया था इस मुकाबले को। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान की बात की जाए तो श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका भी दोस्तों अपना लास्ट मुकाबला जो है वो ग्रुप स्टेज में ही खेला है। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान ने खेला और उस मुकाबले में दोस्तों काफी ज्यादा टक्कर का दोनों के बीच मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ दोस्तों अफगानिस्तान जो कि लास्ट में ऐसा लग रहा था कि कभी अफगानिस्तान जीतेगी और श्रीलंका जीतेगी, तो उन दोनों के बीच थोड़ा सी टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। बहरहाल ओवरऑल जो है श्रीलंका उस मुकाबले को 2 रन से जीत जाता है, जबकि दोस्तों लास्ट मतलब कि 2 ही विकेट बाकी रहते तब जाके अफगानिस्तान को मात्र 3 रन की जरूरत थी। पर दोस्तों अकेला क्या बोलते ध्यानजय डिसिल्वा ने शानदार बॉलिंग करके दोस्तों श्रीलंका को उस मुकाबले में जिता दिया था। तो उसके बाद दोस्तों मनोबल तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक डिफेंडिंग चैंपियन इन लास्ट ईयर जो है T20 का एशिया कप भी जीते थे, तो इसके कारण जो है इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता दोस्तों इन दोनों के बीच ऑलरेडी मुकाबले हो चुके हैं श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज में, जिसमें दोस्तों श्रीलंका ने बांग्लादेश को जो है 5 विकेट से हरा दिया। जहां तक उस मुकाबले की बात की जाए तो वो मुकाबला खेला जा रहा था पल्लिकल्ली के स्टेडियम में और ये दूसरा मुकाबला था एशिया कप का ग्रुप स्टेज का। उस मुकाबले में बात की जाए तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, जिसको दोस्तों श्रीलंका ने 165 यानी कि 39 ओवर में ही उस मुकाबले को जीत लिया था और 5 विकेट से जीता था। 66 बॉल रिमेनिंग बचे हुए थे, जिसमें दोस्तों अगर बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी की तरफ से बात की जाए तो नजमुल हुसैन संटू ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 89 रन की पारी खेली थी। और श्रीलंका की तरफ से बॉलिंग की बात की जाए तो मथिशा पथिरानन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग की थी, 4 विकेट निकाले उस मुकाबले में। और श्रीलंका की तरफ से दोस्तों सदीरा 54 रन की पारी खेली था, श्रीलंका ने 62 रन की पारी खेली थी। तो उस मुकाबले से भी यही पता चलता है कि पल्ला थोड़ा बहुत जो है वो श्रीलंका का ही मुझे भारी लग रहा है। तो फिर से दोस्तों इन दोनों के बीच सुपर फोर मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच। सो अब फटाफट हम लोग अगर बात की जाए कि आखिर मैच का डिटेल आप मुकाबला ये वाला कहाँ देख सकते हैं, तो आप स्टार स्पोर्ट्स पे यानी हॉट स्टार पे जाकर फ्री में ये मुकाबला 3 बजे से आप देख सकते हैं। सो अब फटाफट बात कर लेते हैं हेड मुकाबलों में। तो अब तक दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच लगभग 52 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें कि 41 मुकाबला जो है श्रीलंका जीता है और 9 मुकाबले बांग्लादेश जीता है और 2 मुकाबले जो है वह नौ जीता है। तो इससे यही साबित हो रहा है दोस्तों कि श्रीलंका का ही पल्ला भारी है और लास्ट मुकाबला ऑलरेडी श्रीलंका ही जीती है। और तीसरा एडवांटेज ये मिलता है दोस्तों कि यह श्रीलंका के ही घर में मुकाबला खेला जा रहा है। तो इससे इन तीनों प्रोस्पेक्टिव और 3 फैक्ट्स से यह पता चलता है कि श्रीलंका के जीतने का ज़्यादा चांसेस इस मुकाबले में है। तो फटाफट दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बच्चे क्या बोलते हैं कि मैच के प्लेइंग 11 की, क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों टीमों की। तो फटाफट दोस्तों श्रीलंका प्लेइंग 11 की बात की जाए तो जो प्लेइंग 11 के साथ वो आरती सेम टू सेम वही प्लेइंग 11 के साथ वो जाएगी। तो ओपनिंग करेंगे दोस्तों पार्थुस निसंकना, किसके साथ? दिमुथ करुणरत्ने के साथ। वन नंबर आएंगे दोस्तों कुशल मेंडिस, 4 नंबर पर सदीता सधीरा समार बिक्रे ये उनका नाम है, चरित श्रीलंका होंगे, फिर ध्यानजय डिसिल्वा होंगे, धनुष सनगम के कैप्टन होंगे, धुनी द्वाला गेले होंगे, महेश सक्सेना होंगे, कसुन रजिता होंगे, फिर उसके बाद मथिशा पाथिराना होंगे। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है श्रीलंका की। जब बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनिंग करेंगे लिटन दास और मेहदी संग हसन मेराज, फिर उसको 1 और 9 आएंगे, फिर उसके बाद आपको देखेंगे तोहित हरिद्वाय देखेंगे, फिर उसको क्या बोलते हैं मुस्फिकुर रहीम देखेंगे, साकिब उल हसन भी देखेंगे, उसके बाद समीम हुसैन देखेंगे, फिर आफिफ हुसैन देखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आपको तस्कीन अहमद देखेंगे, सरफुल इस्लाम देखेंगे, हसन महमूद देखेंगे। तो ये रहने वाली है कहाँ का बांग्लादेश का प्लेइंग 11। सो दोस्तों अब इन दोनों का मुकाबला जहाँ खेला जा रहा है कोलंबो में, उसकी पिच रिपोर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसा वहाँ का पिच रिपोर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक ये पता चला कि यहाँ स्पिन फ्रेंडली यानी आपको स्पिन बॉलरों को मदद मिलते हुए दिखाई देगी। तो इससे यही साबित होता है दोस्तों जो भी टीम यहाँ खेलेगी वो अपना ज़्यादा स्पिनर लेके खेलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो जो है 250 है, इससे यही साबित होता है जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ रन बनने तो 250 कम रन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि 250 का एवरेज स्कोर है। तो जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी, वो टॉस पर ही डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या
करा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ पिच रिपोर्ट की बात। वेदर यहाँ का सही रहेगा, यहाँ बारिश की थोड़ी बहुत आशंका नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो कुछ अब हम लोग बात कर रहे थे प्रोबेबल बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कुछ ऐसे खिलाड़ी की जो कि अच्छा कर सकते हैं इस मुकाबले में, और अच्छा मतलब जिनसे उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगे इस मुकाबले में। पहला नाम क्या आता दोस्तों, मुशफिकुर रहीम, ये बांग्लादेश के विकेट कीपर बैट्समैन है जो कि लास्ट मुकाबले में काफ़ी अच्छा बेहतरीन खेले थे, 64 रन की पारी खेले थे, और इनसे उम्मीद है कि शायद इस मुकाबले में अच्छा ही प्रदर्शन करके दिखाए। दूसरा नाम आता दोस्तों साकिब उल हसन, काफ़ी समय से साकिब उल हसन का बॉलिंग तो अच्छे बहुत कर लेते हैं, पर दोस्तों बल्लेबाजी थोड़ा सा रन नहीं आ रहा, तो बल्लेबाजी से उम्मीद है कि अच्छा करके दिखा सकते हैं। फिर उसको दोस्तों अगला नाम आता है कसुन रजिता का, जो कि क्या बोलते हैं श्रीलंका के बॉलर थे, इनसे उम्मीद है कि ये भी कुछ अच्छा करके दिखाए, क्योंकि दोस्तों इसने भी लास्ट मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है जिसमें कि 10 ओवर में दोस्तों इन्होंने 79 रन दिया, 4 विकेट निकाला। तो इस मुकाबले से उम्मीद होगी यह कुछ अच्छा करके दिखाए, किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की, यह मुकाबला जीत कौन सकता है, श्रीलंका जीतेगा बांग्लादेश जीतेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने सारे ओवरऑल रिकॉर्ड को देखा और समझा, तो इससे यही साबित होता है कि यह मुकाबला इन पल्ला ज्यादा भारी जो है श्रीलंका का ही है, तो आई एम गोइंग विद श्रीलंका। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका इस मुकाबले को जीत जाएगा। और प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों आप सभी के लिए चुने जाएंगे कौन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी आई एम गोइंग विद ध्यानजय डी सिल्वा। मुझे ऐसा लगता है कि ध्यानजय डी सिल्वा अच्छा करेंगे, तो आई एम गोइंग विद ध्यानजय डी सिल्वा। सो देखते हैं आपका क्या प्रेडिक्शन, आप जरूर हमें बताएं कमेंट में कि बांग्लादेश जीत सकता है या श्रीलंका जीत सकता है या फिर कोई और टीम, सॉरी, या फिर क्या हो सकता है, वो आप जरूर कमेंट में हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।